नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज 12 नवंबर और 12 नवंबर के जो भी करंट अफेयर्स है उसकी उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया था? मनाया गया था लास्ट डे मतलब 11 नवम्बर को। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रवीण जगनाथ को किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो मासीपुर के चुने गए हैं। अभी इससे पहले भी यहीं के प्रधानमंत्री थे और फिर से चुन लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति संजय कैरोल किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हुए? बिहार के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में GES 2019 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेंगलोर में आयोजित हुआ है। ये GS जो बेंगलोर में आयोजित हुआ है GS 2019, ये सरकार और व्यापार मंडल को एक साथ जोड़ने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रमाकांत चुंदेवा सॉरी गुंचेवा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो यह गायक थे। नेक्स्ट है, फेजो चाइना ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये कैंटो मेमोता ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंजनी कुमार को किस देश के भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो माड़ी गणराज्य को ये अंजनी कुमार को अगला भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 10 नवंबर को ये मनाया गया था और 11 नवंबर को शिक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल ATM सेवा शुरू की है? तो कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने सेवा शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच 85वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है दावोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडेक्स पोर्टल का शुभारम्भ हुआ है, वह जो किस मंत्रालय ने किया है? तो ये भारत के रक्षा मंत्रालय ने किया है इसको लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोर्ट जस्टिस पास टू प्रोपेंच जो प्रोपेंच का नामक पुस्तक विमोचन हुआ किसने किया? तो भारत के जस्टिस रंजन गोगोई ने किया है। भारत के जो चीफ जस्टिस हैं इस समय के रंजन गोगोई, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था कि हाल ही में जारी जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा है। दोस्तों आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि हाल ही में कानून सेवा दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।